हेलो एवरीवन वेलकम टू शिवीज़ क्लासेस और आज की वीडियो में हम देखेंगे बच्चों को कॉन्सेप्ट ऑफ ए और एन किस तरह से इजी वे में आप पढ़ा सकते हैं तो ए और एन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए सबसे पहली चीज़ बच्चों को पूरे लेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए मींस ए से लेके ए टू जेड उन्हें पूरे लेटर्स पता होने चाहिए देन उसके बाद उन्हें वॉवल्स पता होने चाहिए तो यहाँ पे मैंने ये टू पिक्चर्स बनाई है एक बड़ी सी पिक्चर्स बनाई है और एक छोटी सी यहाँ पे कप बनाया हुआ है तो इसमें मैंने कुछ लेटर्स लिखे हैं आपको दिख रहे होंगे तो जो वॉवल्स होते हैं टोटल फाइव होते हैं हमारे अल्फ़ाबेट में ए टू जेड में टोटल ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं तो ट्वेंटी सिक्स में से ये जो फाइव लेटर्स होते हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये वॉवल्स हैं और जो बाकी के बचे ट्वेंटी वन लेटर्स वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स तो यहाँ पे वॉवल्स जो हैं वो हैं ए ई आई ओ यू ये फाइव लेटर्स आपको बच्चों को अच्छे से रटवा देना है आप पिक्चर्स डिफरेंट पिक्चर्स बना के बच्चों को बता सकते हैं ए ई आई ओ यू या उनके फिंगर्स पे भी आप लिख सकते हैं लाइक यहाँ ए ई आई ओ यू लिख के दे दिया बच्चे ईजली ऐसे लर्न कर लेते हैं तो ये हो गए फाइव वॉवल्स और बाकी के बचे जो लेटर्स वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ये टोटल ट्वेंटी वन लेटर्स हैं तो इसे हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट तो ये दोनों चीज़ें जब बच्चों को क्लियर होंगी तो अपने आप बच्चे ए और एन का कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं जितने भी वॉवल्स होते हैं उनके साथ हम हमेशा एन लगाते हैं मींस कोई भी वर्ड की स्टार्टिंग अगर वॉवल्स से होती है तो उसे हम उसके आगे एन यूज़ करते हैं और वॉवल्स के अलावा अगर कोई लेटर्स हैं मींस कोई भी कॉन्सोनेंट्स हैं अगर कॉन्सोनेंट से कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है तो वहाँ पर हम ए लगाते हैं तो इस तरह की पिक्चर ड्रॉ करके अब अगर, अगर आप बच्चों को बताएँगे तो उन्हें ज़्यादा क्लियर होगा कि इन फाइव लेटर्स के साथ एन और बाकी के ट्वेंटी वन लेटर्स के साथ ए अब इतनी चीज़ें क्लियर करने के बाद आपको बच्चों को कुछ क्वेश्चंस देने हैं प्रैक्टिस के लिए लुक एट द पिक्चर एंड राइट ए और एन अब यहाँ पे मैंने वर्ड्स नहीं लिखे हैं पिक्चर्स बनाई हुई हैं तो बच्चे जब पिक्चर्स बोलेंगे तो अपने आप अगर उनका फोनिक्स क्लियर है तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि वो जो पिक्चर है वो किस वर्ड से स्टार्ट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पिक्चर इज बैट तो बैट स्टार्ट विथ बी तो बी तो वॉवल होता नहीं है तो बी होता है कॉन्सोनेंट इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अ बैट नाउ नेक्स्ट पिक्चर एग की है अब एग स्टार्ट विथ ई और ई e होता है वॉवल इसलिए यहाँ पे लिखेंगे ए एन एन an egg a bat next picture kite kite starts with k to तो kyunki k vowel nahi hai isliye yahan pe likhenge a kite next apple apple start with a and a is a vowel so yahan likhenge a N, N, an an apple pen starts with p तो पी क्योंकि वॉवल नहीं है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे अ पेन नेक्स्ट पिक्चर अम्ब्रेला अम्ब्रेला स्टार्ट विथ यू यू इज़ वॉवल तो ए एन 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 अम्ब्रेला मैंगो स्टार्ट्स विथ एम एम वॉवल नहीं होता है इसलिए यहाँ पे अ मैंगो ऑरेंज स्टार्ट्स विथ ओ ओ इज़ अ वल तो हम यहाँ लिखेंगे ए एन 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 ऑरेंज इग्लू स्टार्ट्स विथ आई आई इज अ वॉवल सो ए एन एन इग्लू नेक्स्ट कप कप स्टार्ट्स विथ सी सी इज़ नॉट अ वॉवल वी विल राइट हियर अ अ कप नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पिक्चर्स की जगह वर्ड्स लिखे हुए हैं फर्स्ट वर्ड बुक बुक में बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी क्योंकि वोवेल नहीं होता है अ बुक हाउस एच इज़ नॉट अ वोवेल अ हाउस एग ई इज़ वोवेल एन एग एयरप्लेन ए इज़ वोवेल एन एयरप्लेन नेक्स्ट ट्री तो टी इज़ नॉट अ वोवेल तो अ ट्री apple a is a vowel so an apple next picture ice cream an ice cream balloon because b is not a vowel a balloon ant a is vowel an ant dog d is not a vowel a dog orange o is vowel an orange

I is vowel an ink pot. U is vowel, an umbrella. M is not a vowel. A mat. N is not a vowel. A nest. O is a vowel. An owl. A is vowel. An X B B is not a vowel. A banana. And E is vowel. An eagle. तो इस तरह से इजी वे में आप बच्चों का ए और एन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और इस तरह के क्वेश्चन से उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो वर्कशीट आपको दिख रही है ये एलकेजी के के बच्चों के लिए है वर्कशीट नंबर टेन नाइन तक की वर्कशीट नंबर नाइन तक के वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो एलकेजी की प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और इन केस आप ये वर्कशीट्स परचेज़ करना चाहते हैं पूरी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप ये वर्कशीट्स परचेज़ कर सकते हैं एल में जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं उन सभी टॉपिक्स पे मैंने वर्कशीट्स प्रिपेयर की हुई है पूरा फुल सिलेबस कवर करती हैं ये वर्कशीट्स जितनी भी चीज़ें एल में पढ़ाई जाती हैं तो इन वर्कशीट की हेल्प से आप बच्चों की एल में जो इंग्लिश के जितने भी टॉपिक्स हैं वो ईजिली कवर कर सकते हैं और अगर आप सैंपल देखना चाहते हैं तो वो वीडियोज़ जाके देख सकते हैं उन वीडियोस में मैंने सारी वर्कशीट सॉल्व करके दिखाई हुई हैं तो उनसे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस किस तरह के टॉपिक्स मैंने इसमें कवर किए हैं एल की तरह इंग्लिश यू के जी क्लास वन की भी मैंने वर्कशीट्स प्रिपेयर की हुई हैं तो हर क्लास की प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देख सकते हैं और वीडियो और वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको परचेज़ लिंक मिल जाएगी वहाँ से जाके आप वर्कशीट्स खरीद भी सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करें फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं अगर आपको और अदर किसी क्लास किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय